नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज़ पर मैं हूँ आपके साथ सैनी इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है और ये जंग इतनी तेज हो रही है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं इस युद्ध से जुड़ी अब बड़ी खबर सामने आई है जहां पर इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस से इस्तीफा मांग लिया है जी हां ये बड़ी जानकारी जहां पर इजराइल अब यूएन के प्रमुख पर भड़का हुआ है क्योंकि यूएन प्रमुख ने सुरक्षा परिषद की बैठक में जराइल पर गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने ये कहा था कि हमास ने इजराइल पर हमला बिना किसी कारण के नहीं किया है जिसकी वजह से अब कहीं न कहीं इजराइल जो है वो यूएन के प्रमुख पर भड़का हुआ है और अब गुटरेस से इस्तीफे की मांग जो है वो इजराइल की ओर से की गई है तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है इजरायली दूत ने यूएन प्रमुख से उनका इस्तीफा मांग लिया है और संयुक्त राष्ट्र में अब एक अलग बहस इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गई है आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत महासचिव एंटोनियो गुटरेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इनके इस्तीफे की मांग की है गिलाद ने यह भी कहा है कि बच्चों महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या के अभियान के लिए यूएन महासचिव ने जो समझ अपनी दिखाई है वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए सही नहीं है ठीक नहीं है और मैं उनसे तुरंत इस्तीफा देने का अनुरोध करता हूं। आ, जो गुटरेज हैं, वो तुरंत इस्तीफा दे की मांग अब इजराइल के दूत की ओर से कही गई है साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महासचिव हमारे क्षेत्र की वास्तविकता से पूरी तरह से दूर है और हमास के आतंकवादियों की ओर से किए नरसंहार को अनैतिक तरीके से देखते हैं किलाद ने यह कहा था कि हमास के हमले कोई अचानक से नहीं किए गए हैं आपको ये बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने भी गुटरेज से अलग से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है उनकी मुलाकात जो होनी थी वो फिलहाल रद्द हो चुकी है तो इस तरीके से अब कहीं न कहीं इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो युद्ध अब हर पल एक नया मोड़ ले रहा है और ये पूरा मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र में इस तरीके से एक बहस का मुद्दा बन चुका है जहां पर यूएन प्रमुख जो हैं एंटोनियो गुटरेस उनके बयान पर इजराइल भड़का हुआ है इजराइल ने इस बात को लेकर नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया है कि यूएन जो प्रमुख है The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing but the grievances of the palestinian people cannot justify the appalling attacks by hamas and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the palestinian people excellencies even war as rules we must demand that all parties uphold and respect their obligations under international humanitarian law take constant care in the conduct of military operations to spare civilians And respect and protect hospitals and respect the inviolability of UN facilities, which today are sheltering more than 600,000 Palestinians. The relentless bombardment of Gaza by Israeli forces, the level of civilian casualties, and the wholesale destruction of neighborhoods continue to mount and are deeply alarming. I mourn and honor dozens of UN colleagues working for UNRWA. Sadly, At least 35 and counting, killed in the bombardment of Gaza over the last two weeks. I owe to their families my condemnation of these and many other similar killings. The protection of civilians is paramount in any armed conflict. Protecting civilians can never mean using them as human shields. Protection of civilians. protecting civilians does not mean ordering more than 1 million people to evacuate to the south where there is no shelter no food no water no medicine and no fuel वो खुलकर एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं आपको मैं ये बता दूं कि इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने सुरक्षा परिषद की जो मंत्री स्तरीय बैठक है उसमें शिरकत की थी और उनको दरअसल संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गुटरेस जो कि यूएन प्रमुख हैं, उनसे मुलाकात करनी थी लेकिन कोहेन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ अपनी मुलाकात को रद्द कर दिया और उन पर आतंकवाद को सही ठहराने का आरोप लगाया है तो ये गंभीर आरोप जो है वो यूएन प्रमुख पर लगे हैं यूनाइटेड डिफीट द जस्ट एज द दिविलाइज वर्ल्ड यूनाइटेड टू डिफीट दिथ द दिविलाइज वर्ल्ड टू स्टैंड यूनाइटेड बिन्ड इजराइल टू दिथ खमास नो मिस्टेक एन अबाउट खमास इन टेंशन शो जेनेट Its charter clearly calls for the destruction and elimination of the state of Israel. This will never be. Over 220 were taken hostage. Among the hostages, children who have seen their parents murdered, Holocaust survivor, elderly in need for care and medicine. We call. for immediate the Red access to all the hostages and their unconditional release. और साफ तौर पर इसराइल का यह कहना है कि दरअसल यूएन प्रमुख जो हैं वो खुलकर हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं संयुक्त तो राष्ट्र प्रमुख ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बता देती हूं दरअसल उन्होंने ये कहा था कि ये भी मानना महत्वपूर्ण है कि हमास द्वारा किए गए हमले अकारण नहीं हुए हैं यानी कि अचानक हमले नहीं हुए हैं फिलिस्तीन के लोगों को छप्पन सालों से घुटन भरे कब्जे का सामना करना पड़ रहा है हड़पते और हिंसा से ग्रस्त होते देखा है उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है उनके लोग विस्थापित हो गए और उनके घर ध्वस्त कर दिए गए अपनी दुर्दशा के राजनीतिक समाधान की उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही है ये पूरा बयान जो था वो यूएन प्रमुख एंटोनियो इज़राइल और हमास के युद्ध को लेकर जिसको लेकर आपको यह बता दें कि इजराइल ने अब कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए इजराइल के दूत ने अब यूएन प्रमुख से इस्तीफे की मांग कर दी है और इसी के साथ जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं उन्होंने यूएन प्रमुख से जो उनकी मुलाकात होनी थी वो पूरी तरीके से अब रद्द कर दी है उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन फिलिस्तीनियों की शिकायतों को हमास के भयावह हमलों से उचित नहीं ठहराया जा सकता और वो भयावह हमले फिलिस्तीन लोगों की सामूहिक दंड को उचित नहीं ठहरा सकते ये भी उनकी तरफ से कहा गया है तो इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव से नहीं मिलेंगे सात अक्टूबर के नरसंहार के बाद संतुलित दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं है हमास को धरती से मिटा चाहिए ये भी पर विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है। मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि लगातार इजराइल इस बात को कह रहा है कि हमास ने इस अटैक की शुरुआत की इस हमले की शुरुआत की और अब जवाब जो है वो इजराइल की ओर से दिया जाएगा इसराइल लगातार ये कह रहा है कि जब तक हम हमास के एक एक व्यक्ति को खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा तब तक हम अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे और इसराइल ने हमास की तुलना जो है वो आईएसआईएस से की है और उसे गाजा में घुसकर खत्म करने की कसम इसराइल ने खा ली है इस जंग में अब तक लगभग छह हजार लोगों की जान जा चुकी है वहीं अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस जंग को लेकर जोरदार बहस जो है वो देखने को मिल रही है जहां पर इजराइल के जो मंत्री हैं विदेश मंत्री हैं वो भड़के हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सात अक्टूबर को हुई घटना पूरी स्वतंत्र दुनिया के लिए एक चेतावनी है इस दिन हमास और इस्लामिक जिहाद के 1500 से ज्यादा आतंकवादियों ने इजरायल में घुसकर 1400 से ज्यादा बच्चों महिलाओं और पुरुषों को मार डाला 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए वो घर घर गए पूरे परिवारों और व्यक्ति को बिस्तर पर मार डाला महिलाओं से बलात्कार किया उन्हें जिंदा जलाया लाश पर नाचे लोगों की ये तमाम बातें विदेश मंत्री जो है इजराइल के एली कोहेन उनकी तरफ से कही गई है इजराइल के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद से कहा है कि आप वहां नहीं गए हैं आपने वहां की भयावहता नहीं देखी है किस तरीके से वहां का माहौल था मंजर था ये आईएसआईएस के मुकाबले कहीं अधिक बड़ा नरसंहार है ये बड़ी बात विदेश मंत्री इजराइल के उनकी तरफ से कही गई है वो भी सही राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और इसी के अलावा मैं आपको ये भी बता कि वहाँ पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी ये कहा कि आतंकवाद के सभी कार्य गैर कानूनी और अनुचित है चाहे वो निराहबी या बाली में लोगों को निशाना बनाए या मुंबई न्यूयॉर्क या अन्य जगहों पर चाहे के काम आईएसआईएस करे या बोको हराम द्वारा लश्कर तैयबा हमास द्वारा किए गए हों लेकिन ये कार्य ठीक नहीं है ये कार्य गलत है और इन सब के बीच अब यूएन प्रमुख से इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है क्योंकि इस युद्ध के बीच आ, मैं आपको ये भी बता दू कि दरअसल खुलकर भारत ने इजराइल का समर्थन किया है अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया के बड़े देश इजराइल के साथ एकजुटता के साथ इस लड़ाई में खड़े हुए हैं क्योंकि यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है यह लड़ाई उस नरसंहार के खिलाफ है जिन्होंने मासूमों की जान ली जिन्होंने बेगुनाह महिलाओं और पुरुषों को मार डाला और किस तरीके से उनकी लाश को किस तरीके से वहां पर क्षतिग्रस्त किया ये तमाम चीजें देखने को मिली और उन सब के बीच इस युद्ध को लेकर दुनिया पहले ही दो खेमों में बटी हुई है लेकिन अब यूएन प्रमुख के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है जिस तरीके से उन्होंने खुलकर हमास का समर्थन किया है फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें धन्यवाद